So a very good morning to all of you guys. Welcome back once again to the session of Government Scheme. In today's session guys, we are going to discuss the brand new scheme jiska naam hai ASEEM, jisko recently launch kiya gaya hai by the Ministry of Social Justice and Empowerment. Isko do teen din pehle hi launch kiya gaya tha by the ministry. So let's discuss the scheme. But before we begin guys, do subscribe to our channel and press the bell icon, and also you can join our Telegram group for daily quizzes. Okay. And guys, this is the scheme that we are going to discuss today. The name of the scheme is ASEEM. Alright, and what is the full form? Ambedkar Social Innovation Incubation Mission. Right? Ambedkar Social Innovation Incubation Mission is the full form. And aapko isi slide se ye baat clear ho gayi hogi that this scheme is launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment, which is headed by Mr. Thavarchand Gehlot. Okay. And maine aapko kai baar pehle bhi bataya that you have to remember द फुल फॉर्म ऑफ द स्कीम. अगर आपको फुल फॉर्म याद हो गई है तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि उस एक फुल फॉर्म से आप क्रैक कर सकते हैं. राइट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? सिर्फ नाम पे फोकस करना है. देर आर थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड्स, अम्बेडकर, इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन. सिर्फ इन तीन वर्ड से इसका ऑब्जेक्टिव, इसकी मिनिस्ट्री, दोनों चीजें प्रॉपरली आइडेंटिफाई की जा सकती है. ओके. सो सबसे पहले कौन सा वर्ड है? अम्बेडकर. एंड वी ऑल नो गाइस कि अंबेडकर ने, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने हरिजन्स के लिए काफी मेहनत करी थी, हरिजन्स की अपलिफ्टमेंट के लिए काफी काम किया था. राइट. एंड हरिजन्स का मतलब यहां पे हम क्या समझेंगे? एससी. ओके. एससी कम्युनिटीज. सो एक बात तो क्लियर हो गई फ्रॉम द वर्ड अंबेडकर दैट दिस स्कीम इज अबाउट द एससी कम्युनिटी. ये स्कीम किसके लिए है? एससी कम्युनिटी के लिए है. राइट. और क्यों है? इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, बिकॉज देर इज अ वर्ड इनोवेशन. So, अगर इनोवेशन इंक्यूबेटर प्रोग्राम है, ये इनोवेशन को बढ़ाने का प्रोग्राम है, यानी कि इनोवेशन और वी कैन से एंटरप्रेन्योरशिप. सो एससी कम्युनिटी के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है. एंड तीसरा वर्ड है इंक्यूबेशन, जिसको हम रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? ग्रोथ के साथ. ओके. अब हम अगर तीनों वर्ड्स को कंबाइन करें तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट दिस स्कीम इज टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द एससी स्टूडेंट्स. ओके. जो एससी स्टूडेंट्स है उनके अंदर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड, ASEEM, अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन. ओके. सो आई होप गाइस द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. एंड रिमेंबर वन मोर थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन द दिव्यांग एससी स्टूडेंट्स. ऑलराइट. दिव्यांग एससी स्टूडेंट्स. और ये कौन से स्टूडेंट्स की बात की जा रही है? दीज आर द स्टूडेंट्स विच आर स्टडिंग इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अभी पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं. So I hope the objective is clear guys. Objective क्या है basically इसका? To promote innovation and entrepreneurship among the SC students with a special focus on the Divyang SC students who are studying in the higher education institution in our country. Alright. So I hope guys the objective is clear. And now let's talk about the ministry. So since we are talking about the SC community, so the ministry should be what? Ministry of Social Justice and Empowerment, which is headed by this handsome guy Thavarchand Gehlot. He is also the leader in Rajya Sabha. राज्यसभा के लीडर हैं ये. एंड लॉन्च ईयर क्या आपको याद रखने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये इसी साल लॉन्च हुआ है 2020 में. अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री. सो लॉन्च ईयर भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. इट इज लॉन्च इन द सेम ईयर, दैट इज दिस ईयर 2020. तो अगर इस साल या अगले साल आपके एग्जाम में इस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको लॉन्च ईयर बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और लॉन्च ईयर इज वेरी इजी टू रिमेंबर, 2020. नाउ अब है एलिजिबिलिटी. अब एलिजिबिलिटी भी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है गाइस, बिकॉज काफी लंबी चौड़ी एलिजिबिलिटी है. एज यू कैन सी हियर इन दिस स्लाइड, इस एलिजिबिलिटी काफी, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं बाय द मिनिस्ट्री. सो ऑब्वियसली इन द एग्जाम इस तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी. अगर एग्जाम में पूछा गया एलिजिबिलिटी तो वो एससी, एसटी, ओबीसी या फिर इस तरीके के ऑप्शंस होंगे. सो हमें पता है कि ये किसके लिए है? एससी के लिए है. ऑलराइट. अब ये एससी के भी अंदर ये बाइफर्केशन है, सो दिस बाइफर्केशन यू डोंट हैव टू रिमेंबर. ओके. सो एक बार रीड आउट कर लेते हैं. सो दोज एससी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल हु हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स. टीबीआई स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स दैट आर बीइंग प्रमोटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. Other than this, youth who are identified for incubation by the reputed private TBIs, students who have been awarded under the Smart India Hackathon or Smart India Hardware Hackathon that has been conducted by the Ministry of Education, innovative ideas focusing on the socio-economic development of the society,
एंड लास्ट है स्टार्टअप्स नॉमिनेटेड एंड सपोर्टेड बाय कॉर्पोरेट्स थ्रू सीएसआर फंड्स. ओके, सो दीज आर ऑल द एलिजिबिलिटी अमंग द एससी कम्युनिटी. एससी जो स्टूडेंट्स होंगे उनमें से कौन कौन से एससी स्टूडेंट्स जो कि आइडेंटिफाई किए जाएंगे टू गेट द बेनिफिट अंडर द स्कीम. ओके, बट रिमेंबर कि एग्जाम में इस तरीके का इतना लंबा चौड़ा एलिजिबिलिटी का क्वेश्चन नहीं आएगा. अगर आपके एग्जाम में एलिजिबिलिटी का क्वेश्चन आया तो बहुत सिंपल होगा कि कौन सी कम्युनिटी इसके लिए एलिजिबल है. तो एससी एसटी ओबीसी जनरल या विमेन या फिर एक्स आर्मी ऑफिसर, इस तरीके के कुछ ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें कि एससी आपका करेक्ट आंसर होगा. ऑलराइट, सो एलिजिबिलिटी आई होप क्लियर है, वो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. सो गाइस, टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड द ऑब्जेक्टिव, द मिनिस्ट्री, द लॉन्च ईयर एंड द एलिजिबिलिटी, और इन्हीं में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर फंसेगा. ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन डू एफर्टलेसली. नाउ लेट्स मूव ऑन द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर और यू हैव टू मेमोराइज. और गाइज, ये जो थिंग्स टू रिमेंबर वाली चीजें हैं, ये जो थिंग्स टू मेमोराइज वाली चीजें हैं, याद रखना कि एक बार याद रखने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू रिवाइज देम. आपको रिविजन करते रहना पड़ेगा. अदरवाइज अगर आपने आज एक स्कीम पढ़ी या आज कोई भी चैप्टर पढ़ा, अगर आप उसको एक महीने बाद दोबारा पढ़ोगे तो जीरो हो चुका होगा. सो यू हैव टू कंटिन्यूसली रिवाइज ऑल द थिंग्स. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द फंडिंग एंड रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज दैट कि दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससी. देयर इज अ वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससी दैट वाज लॉन्च्ड इन द 2014-15 फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द एससी. उस वेंचर कैपिटल फंड के अंडर इस स्कीम को लॉन्च किया गया है. मतलब द फंडिंग इन दिस स्कीम विल बी प्रोवाइडेड थ्रू दिस वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससी. ऑलराइट, दैट वाज लॉन्च्ड इन द 2014-15. अब इसमें कितना फंडिंग प्रोवाइड कराया जाएगा? ₹30 लाख विल बी प्रोवाइडेड इन 3 इयर्स फॉर सेटिंग अप ऑफ वेंचर्स. वेंचर्स को सेटअप करने के लिए ₹30 लाख तक प्रोवाइड कराए जाएंगे इन द अपकमिंग 3 इयर्स. एंड जो वेंचर सक्सेसफुल हो जाएंगे दैट विल बी प्रोवाइडेड ₹5 करोड़. उनको ₹5 करोड़ दिए जाएंगे थ्रू दिस फंड. एंड अदर देन दिस, जो टोटल बजट है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड फॉर दिस स्कीम इज ₹19,320 लाख. ओके, रिमेंबर दिस, दिस इज नॉट करोड़, दिस इज लाख. यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे. 19320 लाख इज द टोटल बजटरी सपोर्ट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट to fund this scheme. Okay, and now how many students will be identified, how many students will get benefit under this scheme? So the total number of students who get benefit under this scheme is how much? 1000. केवल 1000 students ऐसे होंगे जिनको benefit दिया जाएगा. And these 1000 students will be identified in the span of 4 years. अगले 4 सालों के अंदर अंदर हमें इन 1000 students को identify करना है. 4 साल मतलब कि till 2024. Okay, 2024 तक हमें 1000 स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, 1000 एससी स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है टू प्रोवाइड बेनिफिट. जिनके पास कुछ आइडियाज होंगे रिलेटेड टू द स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, उन सभी 1000 स्टूडेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा ₹30 लाख का 3 साल के लिए. और अगर उनका वेंचर सक्सेसफुल हो जाता है देन 5 करोड़. ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससी. Okay, so guys, it was launched in the year 2014-15 to promote entrepreneurship among SC students, as I told you. और इसमें जो financial assistance है वो minimum है ₹20 लाख की. Maximum कितनी है? ₹15 करोड़. और 8 साल का tenure होता है including the moratorium period. जो moratorium period होता है उसको मिला के जो loan का tenure है, financial assistance का जो tenure है, that is how much? 8 years. अब इसमें funding pattern जो है वो दो तरीके की होती है, up to 5 करोड़ या फिर more than 5 करोड़. Okay, so in case of up to 5 crore funding, इसमें क्या होता है, 75% of the project cost is provided under this fund. 75% of the project cost, okay, is provided under this fund, and rest 25% will be contributed by the promoter. Okay, and if the funding is more than 5 crore, so in this case 50% of the project cost is borne by this fund. 50% of the project cost, while 25% of the project cost will be borne by the promoters and the rest 25% will be borne by the bank. Okay, मतलब इसमें 50% जो है वो project cost bear करा जाएगा through this fund अगर funding 5 crore से ज्यादा की है. 25% promoter देंगे और 25% कौन देंगे? Banks या फिर financial institutions in the form of loan. While अगर loan up to 5 crore है या financial assistance up to 5 crore है, so 75% of the project cost will be provided under this fund and 25% will be provided by the promoters. Now आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या, क्योंकि यहाँ पे टेन्योर है 8 साल का, तो क्या जो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है ये लौटानी पड़ेगी? इसके क्या इंटरेस्ट रेट होंगे? क्या ये लोन है? नो, तो
तो गाइज ये लोन नहीं है, इसमें क्या होगा, जितना पैसा गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, जितना पैसा मिनिस्ट्री प्रोवाइड कराएगी अंडर दिस फंड, उतना इक्विटी उतना शेयर जो है वो गवर्नमेंट का प्रोवाइड करा दिया जाएगा अंडर दैट इन दैट एंटरप्राइज। ओके, जो भी सेटअप किया जा रहा है, जिसके लिए भी पैसा लिया गया है, उसमें इक्विटी प्रोवाइड करा दी जाएगी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्थ उतने रुपए की जितना की गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। ओके, एंड नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। सो आई होप द स्कीम इज क्लियर, लेट मी समराइज यू द स्कीम। So first of all, the scheme is all about the SC students to promote innovation and entrepreneurship. And SC, how can we identify? We can identify it by the name of Ambedkar, जिन्होंने हरिजन्स के लिए काफी काम किया था। उसके अलावा this ministry is Ministry of Social Justice and Empowerment. Launch year 2020, eligibility इसमें बहुत लंबी चौड़ी थी, that we don't have to remember. 30 लाख रुपए दिए जाएंगे 3 सालों के लिए, अगर successful हो जाता है तो 5 करोड़ रुपए। वेंचर कैपिटल फंड फॉर एसईस के अंडर लॉन्च किया गया है। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द स्कीम एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। सो देयर इज अ पैसेज दैट हैज बीन गिवन, सो वी हैव टू रीड द पैसेज एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो टू प्रमोट इनोवेशन अमंग एसई स्टूडेंट्स, अ स्कीम वाज लॉन्च बाय वन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2020। सो यहाँ पे आपको लॉन्च ईयर दे दिया और उसको ऑब्जेक्टिव दे दिया। ओके, अंडर विच फंडिंग इज प्रोवाइडेड अंडर वेंचर कैपिटल फंड फॉर एसईस। This scheme has a special focus on Divyang SC students and under the scheme, youth who have been identified by the technology business incubators being promoted by the Department of Science and Technology are eligible. So, इसमें काफी सारी आपको hints already दे रखी है, like launch year is given, objective is given, funding का जो source है वो given है, focus किस पे है Divyang SC students के ऊपर वो भी given है and एक eligibility भी given है. Okay. So you can easily identify the scheme after reading the passage, guys. So the correct answer to this question is what? Option B, ASEEM. Option B, ASEEM will be the correct answer because in question 1, we have to identify the scheme. All right. And question 2 is, how many SC students will be identified under the scheme mentioned in the passage till 2024? So as I told you, in the next 4 years, 1000 SC students will be identified to provide support under the scheme. So option E will be the correct answer, 1000. Question number 3. Which ministry is implementing the scheme as mentioned in the passage? So that's very easy question. We all know this ministry is which? Ministry of Social Justice and Empowerment, which is headed by Thavarchand Gehlot. And question number 4 is, what is the total budget of the scheme? So the total budget, guys, is 19320 lakh. It is not crores. Remember this. Isme aapko confuse nahi hona hai. So 19320 lakh is the correct answer. Option A. Okay. And guys, that's it for this scheme, ASEEM. I hope आपको ये scheme clear है and there are no doubts. But still, अगर आपके कोई doubts है, तो you can ask me in the comment section. This scheme, guys, is very important because एक तो ये innovation के ऊपर है और दूसरी चीज़ ये कि आजकल हम लोग innovation की काफी ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो this scheme is important और recently launch हुई है, तो भी exam के लिए काफी ज़्यादा important है. So मिलते हैं कल एक नई scheme के साथ. Thank you so much for watching. Goodbye, take care and God bless.